अब खबर भरतपुर से, जहां पर तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग दौरे पर है और अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी स्थिति को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। वह मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की 11 पंचायतों का दौरा कर गरीब लोगों को आ रही समस्याओं का जायजा लिया और कहा कि सरकार किसी को भी भूखा नहीं रहने देगी। भोजन के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन उन्हें लॉकडाउन में रहकर सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। इस दूसरे दौर में आज मैंने 11 पंचायतों का दौरा किया और वहां के सरपंचों से, प्रमुख आदमियों से, पूर्व सरपंचों से मिलकर के वहां की व्यवस्थाओं को जायजा लिया कि COVID-19 के तहत कोरोना को कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्थाएं, क्या कोई परेशानी तो नहीं है, खाद्य सामग्री का समय से वितरण हो रहा है, सफाई हो रही है, फॉगिंग या जो है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको लेकर तो मुझे तसल्ली हुई। करीब 11 पंचायतों का मैंने देखा है, क्वारंटाइन जो होम बना रखे हैं स्कूल्स में उसको भी जाकर के देखा है वहाँ क्या व्यवस्था है। तो मुझे खुशी है कि गाँव में स्थिति मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली है और अब मैं शहर का दौरा कर रहा हूँ और अभी जिला प्रशासन के लोगों के साथ भी बैठक की है और जिसमें विशेष रूप से राशन सामग्री का वितरण, खाद्य सामग्री का वितरण प्लस मेडिकल एंड हेल्थ की क्या फैसिलिटीज हैं और उसको लेकर के सारा रिव्यू किया गया है।